नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीजेपी के लिए राम मंदिर मुद्दा हमेशा से एक बेरर चेक रहा है, जिसे बीजेपी हमेशा चुनाव के वक्त भुनाती है और बाद में उसे बैग में रख लेती है। और इस बार भी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी संगठन बीजेपी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए कमर कस ली है और इसके लिए जनता में राम मंदिर का अलग जगाने के लिए शुरू कर दी है। और इसकी शुरुआत हुए अयोध्या से, जहां पर बीएचपी और शिवसेना ने रैली की और आरोप लगाया कि सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए जल्द से जल्द रास्ता निकाले। जैसे जेल में बंद है और जैसे जेल में हमारे लोगों से जो रिश्तेदार मिलने आते हैं, उस तरह से भक्त दर्शन कर रहे हैं। रामलला का ये वनवास अब खत्म होना चाहिए, रामलला का ये वनवास खत्म होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। देश में सभी की ये मांग है कि अब तो ये 2019 के पहले राम मंदिर बने, उसका निर्माण शुरू हो। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब, शिवसेना प्रमुख, जल्दी ही अयोध्या में आ रहे हैं, वो भी रामलला का दर्शन करेंगे। भारी मात्रा में देश से लोग आएंगे यहाँ। ये न्यायालय का विषय अब नहीं रहा है। आज देश में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, राष्ट्रपति भवन तक बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। तो राम मंदिर आज नहीं बनेगा तो कब बनेगा? आप न्यायालय की तरफ उंगली मत दिखाइए, ये शिवसेना की मांग है। जैसे आपने ट्रिपल तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस निकाला है, जैसे आपने SC ST एक्ट के बारे में ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकाला है, उसी तरह से राम मंदिर निर्माण के बारे में आप एक अध्यादेश निकालिए तुरंत और राम मंदिर का कार्य 2019 से पहले शुरू करें। ठीक उसके बाद बीजेपी के सहयोगी संगठन BHP ने धर्म संसद का आयोजन किया और इस धर्म संसद में सभी साधु संतों के साथ साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जमकर सरकार की आलोचना की। कहा कि सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई ठोस रास्ता निकाले। हमारी आपसे केवल इच्छा नहीं है, हमारा आपका संकल्प है और संकल्प हम पूरा करेंगे। लेकिन 1986 से चला है, बनेगा बनेगा अभी तक क्यों नहीं बन रहा है? बाकी कठिनाइयां छोटी मोटी है, जो है उसमें जैसा रास्ता निकलेगा निकलेगा। मुख्य कठिनाई क्या है? जिनको राम का मंदिर बनाना है उनको कुछ कुछ राम स्वयं बनना है, वो काम हम जितना करेंगे उतना प्रभु रामचंद्र शीघ्रातिशीघ्र यहां अवतीर्ण होंगे, मंदिर में अपने जन्मभूमि में स्थापित होंगे, अपने लिए एक भव्य परिवेश हमारे हाथ से उनकी इच्छा से वो बना लेंगे। इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं, यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। तो RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान देना ही था कि केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी तक हिल गई और इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने RSS प्रमुख के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हम राम मंदिर को लेकर वचनबद्ध हैं। समग्र देश की जनता का भाव ये है कि सुनवाई जल्द से जल्द समाप्त की जाए और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला श्री राम जन्मभूमि के लिए जितना हो सके उतना जल्दी देश और दुनिया के सामने आए। आम चुनाव आने वाले, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। जब भी कांग्रेस किसी बात में एक अलग प्रकार का स्टैंड लेना चाहती है तब श्री कपिल सिब्बल को आगे करती है। मोहन भागवत BHP और BJP अध्यक्ष के बाद अब बारी सरकार की। सरकार के तरफ से जवाब देते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम वचनबद्ध हैं और राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो, लेकिन इसके लिए अभी राम मंदिर का मामला कोर्ट में है
और कोर्ट से मामला जब तक सुलझ नहीं जाता सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो मैं एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं, अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है और नया खेल ये शुरू किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उनके राजनीतिक इरादों के अनुसार न्यायपालिका का समय पत्र नहीं बनाता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है, अयोध्या जैसे गंभीर संवेदनशील मसलों में सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशीलता के साथ देश को न्याय दिलाने की दिशा में सबको सुनना चाहती है तो उसमें रोड़े अटकाने के लिए जब कोर्ट में फेल हो जाते हैं तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील कांग्रेस ने राज्यसभा में बिठाए हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट ला करके उनको डराने धमकाने का नया खेल शुरू किया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण और अयोध्या आंदोलन के वक्त से राजनीति करने वाले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी जमकर राम मंदिर बनाने की वकालत की, कहा कि राम मंदिर निर्माण देश की भावना है। राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण देखना चाहते हैं जहां रामलला बैठे हैं। बाकी चूंकि मैं सरकार में स्वयं मंत्री हूं इसलिए अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म है मेरे पास में, मैं अपनी बात कहती हूं जहां कहना होता है। मैं सार्वजनिक तौर पर इतना ही कहूंगी कि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदार रही हूं और राम जन्मभूमि आंदोलन के मसले में मुझ पर एक केस भी चल रहा है अडवाणी जी पर और मेरे ऊपर। उस केस के ऊपर भी मुझे गर्व रहता है कि कम से कम राम जन्मभूमि के जैसे महान कार्य के लिए मुझ पर केस चला है। बाकी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो ये मेरी इच्छा है और उसकी सारी अड़चनें दूर हों इसके लिए मेरे तरफ से जो प्रयास होता है वो संभव है, लेकिन मैं उसको कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगी, उस पर पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ नहीं करूंगी कि प्रयास क्या है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रहा है कि वो 151 मीटर मूर्ति सरयू तट पर बनाने की घोषणा दिवाली के दिन करने वाले हैं। इसको लेकर के साधु समाज गुस्से में है कि हमें प्रतिमा नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। योगी की बातों का जवाब योगी देंगे, मैं नहीं, ना मैं उनके डिफेंस में भी बोलूंगी, वही इन बातों का जवाब देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक होने के नाते विपक्ष पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषक शक की निगाहों से देखने लगे हैं और कहा कि एक बार फिर राम मंदिर को चुनाव में उछाल कर बीजेपी माइलेज लेने की फिराक में पड़ गई है और इसी पर राम मंदिर निर्माण में सक्रिय योगदान देने वाले राम विलास वेदांती ने कहा, मंदिर के मुद्दे पर भाजपा खड़ी है। भाजपा ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प के आधार पर भाजपा मंदिर बनाने का काम करेगी और मुझे विश्वास है 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान और हिंदू मिलकर इस देश के अंदर सामाजिक समरसता बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है और वो जल्दी से जल्दी आप सबको दिखाई देगा। देश का नहीं संपूर्ण विश्व का साधु महात्मा भाजपा के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है, योगी के साथ खड़ा है और मुझे विश्वास है जिस आधार पर भाजपा चली थी उसी आधार को लेकर भाजपा आगे चल रही है। हम चाहते हैं भारत का हर व्यक्ति, सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, भारत का रहने वाला हर व्यक्ति एक साथ चले, एक साथ उठे, एक साथ बैठे। वहीं राम मंदिर को लेकर कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके और विकास की कई परियोजनाओं की नींव रखने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो राम मंदिर निर्माण को लेकर रोज एक न एक बयान देते रहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आज फैसला हुआ है इस मामले में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 1994 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार की अपनी व्याख्या की थी और मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो कथित विवाद है जितनी जल्दी इसका समाधान हो जाए वो देश के सौहार्द के लिए और समृद्धि के लिए आवश्यक भी है और देश की बहुसंख्यक जनता इस मामले का अविलंब समाधान भी चाहती है। हमारी अपील होगी कि जितनी जल्दी इसका समाधान हो सके, जो लोग इस विवाद का समाधान नहीं चाह रहे हैं
जो जानबूझ करके देश के अंदर विवाद की स्थिति और न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं इस मामले में रोड़े अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार तो सरकार, बीजेपी के सहयोगी दलों ने, सभी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कमर कस ली है और अब इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भुनाने की पूरी तैयारी है। न्यायालय सरकार की ओर इशारा कर रहा है कि जब आप एससी एसटी पर कानून बना सकते हो तो राम मंदिर पर क्यों नहीं कानून बना देते हो। और मौजूदा सरकार की जो ये मानसिकता है ये बिल्कुल दूषित है, बहुत खराब है। जिस तरह से मैं आमरण अनशन पर बैठा था उसके पहले सब मुद्दा सोया हुआ था, कोई नहीं बोल रहा था। अब बाढ़ आ गई है, केवल यश लेने वालों की बाढ़ आ गई है। वो भी बनाना नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं कि धीरे धीरे आचार संहिता लग जाए, इसके बाद फिर एक बार फिर कुर्सी जो है हथिया ले। अब फिर राम मंदिर जो है तो 4 साल के लिए सो जाएगा, फिर आएगा, ये अब नहीं हो पाएगा। अगर बीजेपी सरकार 1 महीने के अंदर राम मंदिर नहीं बनाती है, कानून बना करके राम मंदिर बनाना शुरू करिए आप। अगर आप मान लीजिए आपका जो है बिल पास नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे कहाँ रुक रहा है। पहले आप ले आइए, आप लोकसभा में जो है आप ले आइए। अगर आपका बिल जो है लोकसभा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आपको राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है हम देखेंगे कौन राम विरोधी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार बीजेपी है। और बीजेपी सरकार यदि 1 महीने में कानून बना करके राम मंदिर नहीं बनाती है तो मुझे आमरण अनशन हमने ही किया था और मेरे साथ बहुत बर्बरता की है। मेरे अपमानित तरीके से मुझे उठाया गया और बाई फोर्स मेरा अनशन तोड़ने का प्रयास किया गया पीजीआई में। और अब मैं घोषणा करता हूं 1 महीने के अंदर, मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, कानून बना के राम मंदिर यदि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है तो मुझे आत्मदाह करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसका जवाब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके और बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। 2019 में एक भी सीट बीजेपी नहीं निकाल पाई। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर और बीजेपी के हमेशा समर्थन में रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सरकार को घेरा, कहा कि देश के जनमानस का ख्याल रखना चाहिए। राज्य और केंद्र दोनों जगह योगी जी और मोदी जी की सरकार है और इतना होते हुए भी और अब भी यदि मंदिर नहीं बनता है तो फिर बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यह उस पार्टी के भी हित में नहीं होगा और यह देश के हित में भी नहीं होगा और यह भगवान राम का सम्मान भी नहीं होगा। देखिए, मानना ही तो होगी, जब जान देने को तैयार है तो हम मानना क्यों नहीं चाहिए। देखो, यदि बिना कोर्ट के आदेश के और बिना संसद के कानून के यदि मंदिर बनता है, लोग अपने आप कार्य सेवा प्रारंभ कर देते हैं तो माहौल बिगड़ने की संभावना, इसलिए सही रास्ता यही है कि अध्यादेश लाओ, संसद में कानून लाओ और मंदिर बनाओ। और इसके साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर आए दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई लफड़ा फंसता ही रहता है। कभी कोई जज हट जाता है तो कभी किसी जज पर इस आंदोलन से जुड़ने का आरोप लग जाता है और इस वजह से अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुनवाई ही टलती रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर 29 जनवरी 2019 को होने वाली सुनवाई टल गई। अभी 2 दिन पहले ही सीजेआई रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय नई संवैधानिक बेंच का गठन किया था। और इस बीच अयोध्या पहुंचे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की जनता इस मामले पर जल्दी फैसला चाहती है। मंदिर का मसला 70 साल से लटका हुआ है। कानून मंत्री ने आगे कहा कि देश की जनता अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर का निर्माण चाहती है और मैं बतौर देश के नागरिक ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले को जल्द ही जल्द निपटाया जाए। देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं लेकिन देश के नागरिक के रूप में, कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से, अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। और एक बार लोग बार बार उठाते हैं कि कई मामलों में जल्दी सुनवाई होती है, सबरीमाला हो या एडल्ट्री का मामला हो
या कर्नाटक में जब होता है मामला बहुमत का तो रात में कोर्ट बैठता है, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अरबन माविस का मामला भी जल्दी सुनवाई हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन देश की जनता की अपेक्षा अवश्य है कि राम जन्मभूमि के केस का निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। जो भी हो, राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के नेता जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और उसके संगठन राम मंदिर को लेकर जनता के सामने जाने लगे हैं और एक उबाल लाने की भाषा के साथ राम मंदिर निर्माण की बात करने लगे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि जनता को ये बात समझ में आएगी कि हमारे नेता तो राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से देरी हो रही है। जो भी हो, राम मंदिर मुद्दा इस बार बीजेपी कितना भुना पाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।